गुड मॉर्निंग मौसी, ठीक से नींद आई या नहीं? अरे अब नींद की किसको फिक्र है? फिक्र मुझे है। कितनी बार मैंने आपसे कहा कि रात को देर तक मेरा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं किस वक्त लौटती हूँ। यहाँ नहीं पिएंगे, बाहर। बेटी, तुम दिन भर कड़ी मेहनत करती हो, इसलिए तुम्हारा इस तरह रोज रोज रातों को जागना अच्छा नहीं लगता। अगर यही हालत रही तो तुम्हारी आंखों के आसपास झुर्रियां नजर आने लगेंगी। मौसी, लगता है आजकल आप मेरी शक्ल भी नहीं देखती। ये झुर्रियां तो कब से नजर आने लगी हैं? मौसी? बेटी, आज शाम को घर जल्दी आ जाओ ना। रोज रोज रातों को बाहर जाना जरूरी है क्या? आज घर पर ही आराम करो। आप भी कमाल करती हैं। दिन की शुरुआत भी नहीं हुई और आपको रात की फिक्र लगी है। क्या करूं? बात कहने तक की तो है। मौसी, हेलो रोमा जी। हाँ सेठ जी, नमस्ते। रोमा जी, जय हो मंत्रालय की। कोई तकलीफ नहीं हुई, अपना प्लान पास हो गया। क्या पास हो गया? कांग्रेचुलेशन सेठ जी। तो रोमा जी, आज दोपहर को आप उससे मिल रहे हैं क्या? नहीं सेठ जी, आज दोपहर को नहीं, आज मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। तो कल मिलते हैं? कल भी नहीं, फ्राइडे ठीक रहेगा। शुक्रवार? हाँ। शुक्रवार तो बहुत दूर है, आप आज शाम को मेरे घर में क्यों नहीं आ जाते? मैं कॉन्ट्रैक्टर को भी बुला लूंगा, यही सब बातें करेंगे और फिर भोजन भी कर लेंगे। नहीं सेठ जी, मैं शाम के वक्त काम नहीं करती, फ्राइडे ठीक रहेगा। ओके ओके, बाय। जेसी, सेंड रमेशन विद धर्मदास प्लान। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये है प्लान्स। धर्मदास ने फोन किया था, गो अहेड विद द प्लान्स ऑफ द इंक्रीज्ड एफएसआई। लेकिन मैडम, कहीं हम मुसीबत में नहीं फंस जाएं? हम क्यों फंसेंगे? ओके मैडम। जेसी, प्लीज कम इन। यस मैडम। प्लीज टेक अ लेटर। डियर मिस्टर लहरी, I'm sorry that you find our quotations for your house on the higher side. We can assure you that the quality will also be on the higher side. If you decide on the kind of quality you want for your exclusive beach house, do let us know. Our quotations for this kind of house remains unchanged. Yours sincerely, etc., etc. Let's check the designs in the art department. Yes ma'am. Mr. Advani ke plans ko kya karna hai? I'm working on it. Dharamdas has increased the FSI from 10,000 to 12,000. So please make sure you revise the plan. Also gonna have the beach house plan. Here ma'am, they are ready. That's very nice. I'll look at it in the office. Ramesh, let's go. You make sure that I get the detailed drawings by this evening, even if it means overtime. Madam, mere leave ka kya hua? No leave until this project is over.
जयसिंह, रामू को बोलो मेरा लंच भेज दे। ये नंबर तुम्हें कैसे मिला? बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए इस दुनिया का जर्रा जर्रा तलाश कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ टेलीफोन नंबर था। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कभी ऑफिस में मुझे फोन नहीं करना? याद है, मगर क्या करूँ अगर दिल बेकरार हो जाए तो। खैर छोड़, अब ऑफिस की झंझटों को भूल जाओ, कहीं चलते हैं, ऐश करेंगे। तुम अकेले जाकर ऐश करो, और याद रहे तुम आइंदा मुझे कभी फोन नहीं करोगे। सुना तुमने? आइंदा मुझे कभी फोन नहीं करोगे। Skyscraper. It will be made of glass and granite to make it look very spacious. It will house an entire shopping arcade. Here in the mezzanine will have a theater and a restaurant. Gentlemen, a dream come true. Fantastic, madam. The contract is yours. Congratulations. मौसी, रोमा, रमेश का सुबह से 5 बार फोन आ चुका है। और क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, नैलेश, उसका भी 2 बार फोन आया था। बेटी, तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो, अच्छा होगा अगर रात को तुम बाहर ना जाओ तो। मौसी, मैं नहा लूं, फिर देखिए मैं कैसी लगती हूँ। आप क्या चाहती हैं, मैं कहीं ना जाऊं, घर बैठे टेलीविजन देखूं? कितनी अलग लग रही हो तुम। ये तो मालूम था कि तुम्हारे पास 2 जहन हैं, एक ऑफिस में काम करने के लिए और दूसरा अपने शामें गुजारने के लिए। लेकिन अभी लग रहा है भगवान ने तुम्हें 2 जिस्म भी दिए हैं। काश तुम्हारा कोई अपना होता जो। बस बस, मेरे लिए तुम ही काफी हो, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। Thank you.
एम्प्लॉई जी। मॉर्निंग रोमा। मॉर्निंग। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात की खूबसूरती सिमट कर तुम्हारे बदन में आ गई हो। आप शायरी बंद करो। जानती हो रोमा, पिछली रात तुम्हारे साथ गुजारने के बाद मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। सचमुच जैसे रूह से जिस्म का बोझ हट जाता है। कहा ना तुम्हें शायरी बंद करो। रोमा, ये शायरी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं अभी से शाम का इंतजार कर रहा हूँ। हम आज शाम उसी क्लब में मिल रहे हैं ना? मालूम नहीं। क्यों, ऑफिस में देर तक काम कर रही हो? कहा ना मालूम नहीं। मैं शाम की बात शाम को ही सोचती हूँ। अब बस करो। क्या बात है रोमा, तुम कुछ नाराज सी लग रही हो। मुझसे कोई गलती नहीं है। अगर हो भी गई तो क्या, तुम तो मुझे प्यार करती हो ना? प्यार मैं और तुमसे? बेवकूफी की बातें मत करो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? रोमा, हमने रात साथ गुजारी, प्यार किया। तुम क्या सोचते हो, रात साथ गुजार लेने से मैं तुम्हें प्यार करने लगूंगी?
फिर तुम कहोगी हमारी शादी होनी चाहिए और फिर बच्चे क्या सुरेश डार्लिंग हाउ आर यू कब आए तुम आज शाम को अच्छा फोन कर देना थैंक यू अच्छा सुरेश को मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम है लेकिन मुझे मिलने के लिए नहीं यू बिच तुम क्या समझते हो तुम मुझ पे हुक्म चलाओगे चले जाओ यहाँ से अच्छा तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम किस तरह की औरत हो मैं तो समझा था तुम मुझसे प्यार करती हो अगर नहीं तुमने तो मुझे अपने दिल बहलाने का एक जरिया समझा था मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता हूँ गुड बाय मिस रोमा सिन्हा एक और गया हमारे अस्पताल की खबरें सारी अखबारों में फैली नजर आती हैं याद रहे सारे टेंडर्स मैं खुद देखूंगा कम इन मिस सिन्हा आपने ये देखा विक्रम लांबा प्लान्स ₹20 करोड़ हार्ट हॉस्पिटल वो ये प्रेस्टिजियस असाइनमेंट किसी लोकल आर्किटेक्ट को देना चाहते हैं दो बड़े आर्किटेक्ट इस काम के लिए जी जान एक कर रहे हैं ये कंट्री का सबसे बड़ा असाइनमेंट है क्या ख्याल है हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मालूम नहीं मिस सिन्हा कोशिश तो जरूर करेंगे कोशिश नहीं हमें ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह मिलना ही चाहिए इसके मिलते ही हम टॉप ब्रैकेट में आ जाएंगे ये तो है लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है सुना है विक्रम लांबा किसी वुमन आर्किटेक्ट की इज्जत नहीं करते उनका कहना है कि औरतें बिल्डिंग भी अपनी तरफ बनाती हैं बाहर से बिल्कुल सजी सवरी और अंदर से बिल्कुल खोखली और बेकार देखो ये एक ओपन टेंडर है इसे भरने से हमें कोई नहीं रोक सकता मुझे दुनिया के तमाम अच्छे आर्किटेक्ट्स के हॉस्पिटल के डिजाइन चाहिए डॉक्टर गोयल डॉक्टर रियाज और डॉक्टर वाड़िया से अपॉइंटमेंट ले लो उन डॉक्टरों से आपको क्या पूरी रिसर्च करने के बाद ही हम डिजाइन बनाएंगे रोमा प्रियेश का फोन है मैंने तुमको पहले भी कहा था
उसका दो बार फोन आ चुका है। कहीं तो मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा नहीं नहीं मैं बात करती हूँ। क्या जरूरत है रोमा, आज की रात कहीं भी ना जाओ, घर पर ही रहो, थोड़ा पढ़ो, आराम करो। और बोर हो जाऊं? मौसी एक तो मुझे काम की बीमारी है, अगर मैं बाहर न गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। प्रियेश हाँ आज आपको मिल रहे हैं 10:30 बजे सपा क्लब, मैं वहीं मिलूंगी। बाय। मौसी समझने की कोशिश करो। Come in. मिस सिन्हा, मैंने कुछ हॉस्पिटलों के डिजाइन आज शाम को DHL से मंगाए, ये किताब देखिए शायद आपके कुछ काम आए। अच्छा ठीक है, काम कैसा चल रहा है? काम तो बाकायदा चल रहा है, वक्त बहुत कम है। मैंने भोसले और मनर से देर तक काम करने के लिए कह दिया है, डॉक्टरों और मरीजों से इंटरव्यू खत्म हो जाए तब तक हमारा पहला प्लान तैयार हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके मैडम। अशोक का फोन है, कहीं तो मैं घर पे नहीं हूँ। मैं तो यही कहूंगा सर कि स्पेसियस और वेल इक्विप्ड ऑपरेटिंग थिएटर के साथ ये हमारे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। ये सब ठीक है लेकिन इसमें सिर्फ 380 मरीज रह सकते हैं। ये तो सही है सर, लेकिन ये हॉस्पिटल अपनी जगह बेजोड़ होगा, आप चाहे तो इसके चार्ज भी बढ़ा सकते हैं, इससे अच्छी कमाई होगी। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर गोपालन, बहुत अच्छी कमाई हो सकती है लेकिन मैं इस अस्पताल से मुनाफा नहीं कमाना चाहता। ठीक है सर, मैं कमरों का साइज छोटा कर देता हूँ ताकि इसमें बहुत सारे मरीज भर्ती हो सके। वैसे भी मेरा प्लान बहुत लचीला है सर, इसमें हेर फेर बदल हो सकती है। जी हाँ ठीक है, आप अपने फेयर बदल करने के बाद मिस्टर इब्राहिम से मिल लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर रोमस ने आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही है। मगर मैंने इब्राहिम को कहा था उनसे मिलने के लिए। मगर वो आपसे ही मिलना चाहती है। इब्राहिम से कहो उस औरत को बाहर फेंक दे, उस औरत को नौकरी नहीं मिलेगी। वो कह रही है आप सभी मेल आर्किटेक्ट से खुद मिल रहे हैं और उनसे ना मिलना सरासर बेइंसाफी होगी। वो कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे सर, प्रेस में भी जाने की बात कर रही है। ठीक है अंदर भेज दो। और सुनो मेरे पास उनके लिए सिर्फ 15 मिनट हैं। ठीक 15 मिनट के बाद तुम अंदर आ जाना, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ 1 मिनट ज्यादा रुके, समझे? आपकी सेक्रेटरी ने मुझे आधा घंटा बाहर बिठाया और अब आप मुझे केवल 15 मिनट दे रहे हैं। अब 14 मिनट बाकी हैं। मिस्टर लांबा ग्राउंड फ्लोर 2 हिस्सों में होगा, पहले हिस्से में लॉबी होगी और दूसरे हिस्से में इमरजेंसी वार्ड जिसकी कैपेसिटी 50 मरीजों की होगी। तीसरे से 18 फ्लोर तक मरीजों के कमरे होंगे जिसमें हर एक कमरे के साथ बाथरूम होगा, एक कमरे में 2 मरीज रह सकेंगे। ये कमरे शाही किस्म के तो नहीं होंगे मगर काफी कंफर्टेबल होंगे। नर्सों के लिए एक कॉमन रूम होगा और हर फ्लोर पे एक स्टोर रूम होगा जिसमें हर तरह की मेडिसिन होगी, इंजेक्शन, दवाइयां इमरजेंसी के लिए। 4 लिफ्टें होंगी और ये 4 लिफ्टें
अलग अलग फ्लोर के कोने पर होंगी ताकि मरीजों को बाहर के शोर से बचाया जा सके। दो इमरजेंसी लिफ्टें होंगी सिर्फ मरीजों के इस्तेमाल के लिए और बाकी चार लिफ्टों से दूर होंगी ताकि मरीजों को तकलीफ न हो। सब 15 मिनट हो गए। हाँ डिस्टर्ब मत करो, कैरी ऑन प्लीज। बावीसवां फ्लोर हम हार्ट पेशेंट के लिए रखेंगे, हॉस्पिटल बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं मगर हॉस्पिटल बीमारी को दूर रखने के लिए होना चाहिए। माफी चाहती हूँ, आपका जरूरत से ज्यादा वक्त मैंने ले लिया। गुड डे मिस रोमा सिन्हा। मुझे आपसे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत और खर्चे के बारे में बातचीत करनी है। Get out. लेकिन देखिए इस तरह कौन? अरे रोमा आज तुम अकेले? आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आज मुझे सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सच मौसी मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बस इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जिसे मैं सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। और वो सब लड़के? ये सब लड़के मुझे अपनी बर्बादी की याद दिलाते हैं जिसे भुलाने के लिए मैं उन्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। लेकिन उन लड़कों को बर्बाद करके तुम अपने दिल की चोट को नहीं भुला सकती बिटिया, बल्कि इससे चोट और गहरी हो जाएगी। आखिर कब तक चलेगा ये सब? मौसी क्यों इन बदमाशों की बात करती हो, आज उनके बारे में कुछ मत कहना। आज की रात मैं उन सब लड़कों को भूल जाना चाहती हूँ। बिटिया बिटिया काश तुम ये सब हमेशा के लिए भूल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ बिटिया। भगवान सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा।
प्रेस रिलीज भेज दो, उसमें लिखना मिस सिन्हा हमारी आर्किटेक्ट हैं। मिस सिन्हा, हाउ डज इट फील टू बी द मेल आर्किटेक्ट टू द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट? फील्स ग्रेट। You're very pretty looking, Miss Sinha. Do you think it's because of your looks that Mr. Lamba has given you this contract? Perhaps you should ask Mr. Lamba about it. But he's so impossible to get through. Try sending a lady journalist. Seriously, I did all that the others did. But I paid more attention to the needs of the patients rather than the building itself. What does the hospital look like? I have prepared a model. But I don't know. Mr. Lamba hasn't seen it yet. Please, Miss Sinha, we need photographs of it. Well, I'm sending it to Mr. Lamba today. So maybe there's no harm in you photographing it. Jesse, send me the model of the hospital. Hello. Give me Miss Sinha, please. Yes, Jesse. Put him on. Miss Sinha. Hello, Mr. Lamba. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल की खबरें मुझे अखबारों से मिलें। लेकिन प्रेस को दिखाने से पहले मुझे मॉडल क्यों नहीं दिखाया? मैंने आपको पहले से बताया था कि मेरे हॉस्पिटल की सारी बातें मुझसे पहले क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मिस्टर लांबा, लेकिन क्या मिस सिन्हा, आप हमारी आर्किटेक्ट हैं, प्रेस रिलेशंस ऑफिसर नहीं। मिस्टर लांबा, मैंने मॉडल कल सुबह ही आपके पास भेज दिया था। अच्छा, आपने भेज दिया था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मिस सिन्हा, कल सारा दिन मैं दिल्ली में था। आपको ये तो पता करना चाहिए था कि मॉडल मुझ तक पहुंच गया या नहीं। हेलो हेलो मिस सिन्हा। यस मिस्टर लांबा। मेरे ख्याल में आंदा ऐसा नहीं होगा। गुड डे। गुड डे। यह है वो जगह जहां लांबा हार्ट हॉस्पिटल दुनिया में सबसे अच्छी मेडिकल हेल्प दे सकेगा। ये जमीन मैंने 10 साल पहले खरीदी थी, तभी मैं यह अस्पताल बनाना चाहता था। तो मिस रोमा, मंगलवार से काम शुरू करेंगे। लेट्स बिल्ड द बेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो मैं एकदम घबरा क्यों जाती हूँ? घबरा नहीं जाती। दरअसल जिस रफ्तार से तुम गाड़ी चलाते हो उसे एक दिन एक्सीडेंट होगा ही होगा, और अगर ना भी हुआ मैं तो यही सोच सोच के मर जाऊंगी। तुम हमेशा जरूरत से ज्यादा सोचती हो सकता है, लेकिन जरा तुम भी तो सोच कर देखो। गाड़ी सनसनाती हुई अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि अचानक एक मोड़ आया। मोड़ लेने की कोशिश में गाड़ी ने यूं पलटा खाया कि हम दोनों उलटते पलटते धड़ाम से 200 फीट नीचे जा गिर पड़े। फिर क्या होगा? फिर हम उस रेत की गोद में आराम से खामोशी की नींद सो जाएंगे। ओह, बंद भी करो ये सब। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि सच मुच ऐसा ही हो जाएगा। तुम कभी कभी बच्चों जैसे बातें करते हो, और कभी कभी जैसे मेरे दादा के परदादा हो।
आखिर इसमें राज क्या है? इसका राज वास कुछ नहीं है डार्लिंग। बात यह है कि मैंने दुनिया देखी, लोगों का चाल चलन देखा है और जिंदगी के बहुत करीब पहुंचकर उसे अच्छी तरह समझा है। वाह वाह वाह, इतनी गंभीर और बड़ी बातें तो बुड्ढे भी नहीं करते। अंजलि, मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं, तुमसे मिलने से पहले मैं एक औरत की जिस्मानी जाल में फंसा हुआ था। नैलेश, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ अंजू, यह सच है। वो एक तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आई और मुझे झिझोड़कर चली गई। वो एक अजीब सी औरत थी, मैं अब सोचता हूँ तो दहल जाता हूँ। लेकिन आखिर हुआ क्या? उसने बड़ी चालाकी से मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर एक रात बहलाकर मुझे अपने घर ले गई और वो सब कुछ किया जो एक औरत किसी मर्द के साथ कर सकती है। नैलेश, ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? शायद तुम्हें सब बात बता देनी चाहिए। मैं उससे सचमुच प्यार करने लगा था और ये भी सोचने लगा था कि वो भी मुझसे प्यार करती है, यहाँ तक कि मैंने उससे शादी का इरादा भी कर लिया। लेकिन जब मैंने उसके सामने अपना ये इरादा जाहिर किया तो उसने हंसकर इससे ऐसा उड़ा दिया जैसे कि मैंने कोई मजाक किया हो। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि मर्दों के साथ रातें गुजारना उसके लिए खेल था। वो मेरे साथ सिर्फ खेलना चाहती थी, वो मुझे इंसान नहीं सिर्फ एक खिलौना समझती थी। फिर तुमने क्या किया? असलियत का पता चलते ही मैं उसका जाल तोड़कर बाहर निकल आया। तुमसे मिलने के बाद मुझे सच्चे प्यार का एहसास हुआ और मैं समझ गया कि वासना और प्यार में क्या फर्क है। जो हमारे तुम्हारे बीच में है उसे प्यार कहोगे या वासना? कहा ना, मुझे तजुर्बा मिल चुका है और फिर तुम में और उस औरत में जमीन आसमान का फर्क।
आखिर तो मुसीबत में फंसी गई। नैलिश तुम? वाह कमाल, तुम्हें तो मेरा नाम भी याद है। क्यों, तुम कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं? कीड़ा मकोड़ा तो नहीं, मगर तुम इतने मर्दों के साथ अपनी रातें रंगीन कर चुकी हो, ये ताजुब तो होगा ही। या फिर तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें उन सब मर्दों के नाम याद है जिनके साथ? हाँ, मुझे एक एक का नाम याद है और उन सब की शख्सियत भी, समझी? नलेश, क्या हो रहा है, कौन है ये? बाहर आओ स्वीटहार्ट, आज मैं तुम्हारा परिचय एक ऐसे औरत से कराता हूँ जिसका मुकाबला कोई बाजारू औरत तक भी नहीं कर सकती। अगर मुझ पे यकीन नहीं होता हो तो तुम इन्हीं से पूछ लो। मैंने ठीक कहा ना मिस रोमा सिन्हा? तुम अभी तक बच्चे हो। अब जाइयो बिच। तुम जैसे बच्चों का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिल गई, वरना मैंने तो सोचा था कि तुम अगर ड्रग्स में नहीं तो कम से कम शराब में जरूर डूब जाते। तुम जैसी घटिया और जलील औरत के लिए मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं चाहूं तो तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर सकता हूं, मगर नहीं, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा। ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं। मगर सोचो, सोचो कि 5-6 साल के बाद तुम्हारा क्या होगा, जब तुम्हारी यह चिकनी और चमकदार चमड़ी सिकुड़कर पूरी खाल बन जाए, जब तुम्हारे अंदर का ठोस मांस थल तलाकर ठंडा कोष बन जाए, जब वासना से झुलसा हुआ तुम्हारा यह शरीर मुर्दा पड़ जाएगा, उस वक्त तुम पर कोई थूकेगा भी नहीं। बुढ़ापे की एक ऐसी गंदी बू आएगी कि नजर पड़ते ही लोग मुंह फेर लेंगे। उस वक्त तुम्हारी आत्मा तड़पेगी और तुम मुझे याद करो। हाँ, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, सिर्फ तुम्हें सच्चे प्यार का ऐसा दिलाने के। फौरन प्लंबिंग शुरू कर देना चाहिए, वरना बारिश सारा काम खराब कर देगी। जानते हो हमारे पास 6 महीने बाकी हैं काम पूरा करने के लिए। लेकिन रोमा जी, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? होना चाहिए, सारा टाइलिंग प्लंबिंग और इंटीरियर के काम में ही 6 महीने लग जाएंगे, और आप जानते हैं आजकल लेबर प्रॉब्लम क्या चल रही है। सर आप? हाँ, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा यहाँ से भी होता चलूँ। आप अभी तक यहाँ? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैं यहाँ पर रुक गई। बारिश ने तो पूरा शेड्यूल बेकार कर दिया है, लेकिन तुम इंटीरियर का काम तो शुरू कर दो। मैं भी उनसे यही कह रही थी कि पहले प्लंबिंग और टाइलिंग का काम शुरू करवा दें। 24 दिसंबर तक मुझे सब कुछ तैयार चाहिए, आदमियों को तीनों शिफ्ट पर लगा दो। मिस्टर लांबा, वो तो पहले ही कर दिया है, बस जरा बारिश कम हो जाए तो। अच्छा, मुझे जाना है। आप जाएंगी कैसे? टैक्सी में। रोमा, बॉम्बे इतना सेफ नहीं है कि आधी रात के बाद आप अकेली जा सकें, अगर कुछ हो गया तो। मैं उन सब चीजों की आदी हो चुकी हूँ। चलिए, मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। इसमें तकलीफ की क्या बात है, वैसे आपका घर मेरे रास्ते पर ही है। क्या आप गाड़ी की मरम्मत खुद ही कर रही थी? हाँ, सुनसान जगह थी और काफी समय के बाद मदद के लिए कार रुकी। यह शहर बड़ा बेमरम्मत सा होता जा रहा है, मदद के लिए मुश्किल से कोई रुकता है। ये सारी कारें वहां से गुजरी होंगी? ज्यादा तो नहीं। हाँ, एक कार जरूर रुकी थी, उसमें एक यंग कपल थी। मैं लड़के को जानती थी,
लेकिन उसका मूड नहीं था मदद करने के लिए। क्यों? वो आम अमीर बच्चों की तरह है, लापरवाह और जिद्दी किस्म के। जब तक ठोकर नहीं खाते सुधरते नहीं। आप अमीर बच्चों के बारे में काफी कुछ जानती हैं। यस, ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड सर्वाइवल प्रोग्राम ऑफ अ सिंगल वुमन। Would you like to come up for a drink? अभी नहीं, फिर कभी। आज मुझे ढेर सारे पेपर्स देखने हैं। पेपर्स देखने में तो आप हमेशा बिजी रहेंगे, ऐसा वक्त शायद ही फिर मिले। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। तुम ठहरो, मैं आया। Would you like a drink? Please, brandy. अपनी पढ़ाई लिखाई का चलता फिरता सर्टिफिकेट तो आप खुद हैं, फिर इस बेजान सबूत की क्या जरूरत है? मुझे ये फोटो बहुत सारी बातें याद दिलाता है। अगर मैं भूलना भी चाहूं तो भूल नहीं सकूंगी। चेयर्स। आपका घर बड़ा प्यारा है, इसके डेकोरेशन में पक्के इरादों की झलक दिखाई देती है। एक औरत का आर्किटेक्ट होना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जब आप जैसे वुमेन हेटर से मुलाकात होती है तो मुश्किल होता है। इब्राहिम, उसे बाहर फेंक दो, उस औरत को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, तो आप जानती हैं? जानने का सवाल ही नहीं रहता। शायद आप मुझे सुनाने के लिए ही जोर जोर से चिल्ला रहे थे। शायद तुम नहीं, लेकिन मेरा तजुर्बा तो यही है कि औरतें सिर्फ तकलीफें देती हैं, बर्बादी का रास्ता दिखाती हैं, और अगर मौका मिले तो गला काटने से भी बाज नहीं आती। उनमें मर्दों जैसी डिसिप्लिन और अकल नहीं होती है। ये तो आपकी सरासर बेइंसाफी है। मैं अपने आप को मर्दों से कम नहीं समझती। मैंने मर्दों से अच्छा काम करके दिखाया है। ये कहना कि सब औरतें बुद्धू होती हैं एक बड़ा सिंपल जनरलाइजेशन है। हो सकता है आप एक एक्सेप्शन हैं। शायद वो औरत एक एक्सेप्शन थी जिसने आपने इतनी नफरत पैदा की। वो मेरी जिंदगी थी। लेकिन उसके बाद आपने किसी औरत को करीब से देखने की कोशिश की? एक बार धोखा खाना काफी नहीं। क्या वो आपकी प्रेमिका थी? मेरी बीवी थी। आप उसे प्यार करते थे? मैं उससे नफरत करता था। उसने मुझे पूरी औरत जाति से नफरत करना सिखाया। औरत की खुशी किसी को बर्बाद करने में होती है, बर्बाद करने में नहीं। वो मुझे अपना गुलाम रखना चाहती थी और उस मकसद से मुझे तबाह करने को तैयार थी। आई एम सॉरी, मैं इतना ज्यादा बोल गया। वैसे मैं अपने प्रॉब्लम्स दूसरों तक नहीं ले जाता। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर द ड्रिंक। आप रुकेंगे नहीं? डिनर साथ खाएंगे? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। थैंक्स।
हेलो मिस्टर लांबा। पांडे, हाउ आर यू? गुड। अभी अभी आप ही का जिक्र चल रहा था, आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी दौलत कैसे पैदा कर ली? दौलत तो कोई भी पैदा कर सकता है, मगर दौलत पैदा करना आसान नहीं है। थोड़ी हेरा फेरी तो करनी ही पड़ती है ना? अच्छा, शायद आपने इस तरह दौलत पैदा की है। नहीं नहीं, उस अभी तक तो नहीं कर पाया। तो क्या आप सोचते हैं कि आप इतने ईमानदार हैं कि आप दौलत पैदा कर ही नहीं सकते? नहीं नहीं, असल में हमारे प्रोफेशन में केवल पैसा मिलता है, दौलत नहीं। आई सी, आप प्रोफेशनल हैं। आई एम सॉरी, मैंने अपना पैसे नहीं दिया आपको। सोचता था आप मुझे जानते हैं जैसे कि मैं आपको जानता हूं। आई एम मेहता, प्रेमलाल मेहता, बिजनेस एडिटर ऑफ भारत टाइम्स। मेरे ख्याल से आपने शायद पेपर का नाम जरूर सुना होगा। ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। एक्सक्यूज मी, मिस्टर लांबा। यस, मैं यहां खास तौर पर आपसे मिलने आया था। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मिस्टर लांबा, कल हम आपके हॉस्पिटल के बारे में एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में आपके ओपिनियन जानना चाहते हैं। माफ कीजिए, पर मैं अपनी राय प्रेस को देना जरूरी नहीं समझता। पर मिस्टर लांबा, उस बारे में मैंने मिस्टर गोलवलकर से बात कर ली है, उनकी ओपिनियन तो आप अच्छी तरह जानते हैं। गोलवलकर? गोलवलकर अपोजिशन लीडर, उसका कहना है कि आपने पूरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री खरीद कर अपनी हॉस्पिटल का FSI 3 गुना बढ़ा दिया है। मिस्टर, क्या नाम है आपका? मालूम नहीं आपके प्रोफेशन में दौलत है या पैसा, मगर जिम्मेदारी जरूर है। किसी उछली हुई बात को आसमान से उड़ाने से पहले आपको थोड़ा बहुत होमवर्क कर लेना चाहिए। मिस्टर लांबा, आप जो भी कहें, इस गोलमाल का पर्दाफाश हम कल करने जा रहे हैं। पर्दाफाश? और इसके लिए आप मेरी इजाजत चाहते हैं? इजाजत नहीं मिस्टर लांबा, समझौता कहिए, समझौता। समझौता मतलब? समझ में नहीं आया। मिस्टर लांबा, मैं मानता हूं कि समझौता जिंदगी का दूसरा नाम है, सबको करना पड़ता है, पैसे वालों को भी और दौलत वालों को भी। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं। साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ है, मतलब ये कि अगर हम दोनों चाहें तो ये गोलमाल बिल्कुल साफ कर सकते हैं। हम दोनों का भला, आपका भला, हमारा भला, बराबर बराबर। आप देखिए ना मिस्टर लांबा साहब, इतना बड़ा हॉस्पिटल, मान इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर लांबा की इतनी बड़ी इज्जत, इन दोनों के लिए 20,000 काफी हैं। ओह, अब मैं समझा। मगर शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे लिए आपकी कीमत 20,000 20 पैसे भी नहीं है। नाउ गेट आउट रास्कल, यू कॉल योरसेल्फ एन एडिटर, यू आर नथिंग बट अ पिंप। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है मिस्टर लांबा, आपकी इज्जत का सवाल है। वैसे अगर आप चाहें तो समझौता कम भी हो सकता है। आई से गेट आउट यू इडियट। देखना देखना, समझौता ना करना आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। मैं आपके हॉस्पिटल को, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दूंगा। हाँ, ब्लडी फूल। गोलवलकर साहब का कहना है कि आपको और गवर्नमेंट दोनों को कोर्ट में लिया जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इस बिल्डिंग से निकल जाइए, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गोलवलकर इसे गैर कानूनी कहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? आप उनसे जाकर कहिए कि वो भी 20 करोड़ रुपए लगाकर एक हॉस्पिटल बनवा दें। आप तो जानते हैं कि हम जनता के गरीब सेवक हैं। अरे लांबा साहब, 20 करोड़ रुपए डालकर अस्पताल बना रहे हैं, उनसे कहो 20 करोड़ रुपए हमें दो, हम उससे भी अच्छा अस्पताल बनाएंगे
और जो भी मुनाफा होगा ना वो हम चैरिटी में दे देंगे। अरे लांबा साहब की तरह हम पैसे हजम नहीं करेंगे। मैं बोलता हूँ लामा इज अ फ्रॉड। कैन यू हियर मी? लामा इज अ फ्रॉड। मिस लामा, सुना है चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी कमीशन बैठा रही है। ये बकवास खबर मैंने भी पढ़ी है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्कैंडल? व्हाट स्कैंडल? चोर एक ही बार पकड़ा जाता है। बात इस हद तक पहुंची तो मैं ये पूरा कंस्ट्रक्शन डायनामाइट से उड़ा दूंगा, समझे? मेरा नुकसान कुछ नहीं होगा। नाउ गेट लॉस्ट। गुड इवनिंग मिस्टर लांबा। मिस्टर लांबा, मे आई सी समथिंग? क्या आप उनसे साफ साफ बात क्यों नहीं करते? उन बेवकूफों के सामने मैं अपने आप को जस्टिफाई करूं? अगर आप उनसे दिल खोलकर बात करेंगे तो शायद वो समझ जाएंगे। आप लोगों का भला चाहते हैं, और ये भी सच है कि आपने कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ ईमानदारी ही काफी नहीं, उसका सबूत भी देना पड़ता है। देयर इज सच अ थिंग एज पब्लिक ओपिनियन। आप कुछ भी कहें, लेकिन हर इंसान इज्जत चाहता है। ये इज्जत केवल समाज से मिलती है। बस मैं इतना ही कहूंगी, अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते तो मैं बात करूंगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल अब मेरा सपना बन गया है। मिस्टर लांबा, दिस इज माई हॉस्पिटल एज मच एज इट इज योर। आप मिस्टर लांबा को चोर समझते हैं? उसमें आपका कोई कसूर नहीं। यू मीन ही इज अ फ्रॉड? नो, ही इज नॉट अ फ्रॉड, ही इज अ ब्लडी फूल। व्हाट डू यू मीन? इस देश में बेईमानी इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को बेईमानी की आदत हो गई है, इसीलिए मिस्टर लांबा जैसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। आई डोंट ब्लेम यू। आई टू फेल टू अंडरस्टैंड हिम अर्लियर। हैविंग वर्क विद हिम, आई एश्योर यू दैट ही इज इंडीड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। लेट मी टेल यू, दिस हॉस्पिटल इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। मिस्टर लांबा हैज इन्वेस्टेड हिज ओन मनी टू हेल्प द पुअर एंड सिक। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप म्यूनिसिपैलिटी और मंत्रालय के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। कोई फ्रॉड नहीं है, ना ये हॉस्पिटल में, ना इस आदमी में, ना इसकी नीयत में। मौसी, बहुत थक गई हो? आज तो बड़ा बकवास दिन था। क्यों, क्या हुआ? वो लोग इंक्वायरी कमीशन शुरू कर रहे हैं और मिस्टर लांबा बिल्कुल चुप है। अगर मिस्टर लांबा का बर्ताव ऐसे ही रहा तो हॉस्पिटल की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन लांबा इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? पता नहीं, शायद वो चाहते हैं कि लोग उनसे नफरत करें। मगर क्यों? वो लोगों को अपने नेक इरादे बताने से कतराते हैं, क्योंकि इससे उनकी सेल्फ पब्लिसिटी होगी। अजीब किस्म के आदमी हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या मतलब? बेटी, मैंने पहले तुमको किसी के भी बारे में ऐसी बातें करते हुए नहीं सुना। लगता है तुम लांबा साहब का बहुत ख्याल रखती हो। देखो बेटी, अगर जिंदगी में तूफान आए तो तूफान को ही जिंदगी नहीं समझना चाहिए। जिंदगी में जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ,
और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करो। म्युनिसिपैलिटी के लिए सारा इंतजाम कर लिया है, परमिशन हमें मिल ही जाएगी, केवल 4 महीने लगेंगे। गुड, ये बात हुई। और हाँ, एक बात कहने तो भूल गया, तुमने जिस ढंग से पूरे प्रेस को हैंडल किया उसकी सचमुच दाद देनी पड़ेगी। आपने इवनिंग पेपर्स तो देखा ही होगा, प्रेस का रुख अचानक ही बदल गया। सॉरी, तुमने कुछ कहा? नहीं, नहीं कुछ नहीं। रोमा, रोमा, तुम्हारे अंदर ना जाने कौन सी ऐसी ताकत है जिसने मेरे दिल और दिमाग को झंझोट कर रख दिया है। तुम्हारे करीब आने से ऐसा लगता है जैसे मैं बदल जाऊंगा, जिंदगी बदल जाएगी और जिंदगी के सारे ख्यालात बदल जाएंगे। विक्रम, मैंने भी मेरी पूरी जिंदगी में तुम ऐसी पहली औरत हो जिसे मैं खुले दिल से बात कर सकता हूं, जिसको मैं प्यार दे सकता हूं, जिसे मैं प्यार के काबिल समझता हूं। तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा है जैसे अभी तक मैं एक अधूरी जिंदगी जी रहा था। आपकी पिछली जिंदगी बहुत बुरी थी। बहुत बुरी नहीं, बिल्कुल नर्क थी। नर्क की जिंदगी और घुटन। एक एक्सीडेंट में मेरे मां बाप की मौत होने के बाद हमारा जीवन नर्क ही बन गया। सारा भार उसके कंधों पर आ पड़ा, लिहाजा उसकी दिमाग की हालत और भी खराब होती चली गई। उन दिनों में मैं अपना करियर बनाने में मसरूफ था, लेकिन वो मुझे बहुत परेशान किया करती थी, जैसे वो मुझे हमेशा पीछे की तरफ खींचना चाह रही हो। मेरे बेटे के पैदा होने के बाद थोड़े दिन तो शांति रही, मगर फिर वही। हर आधे घंटे बाद वो ऑफिस में फोन करके फालतू रोना धोना करती रहती थी। हेलो, मे आई स्पीक विद मिस्टर लांबा प्लीज? मिसेस लांबा, थैंक यू। विक्रम, तुम जल्दी घर चले आओ। नहीं, अभी इसी वक्त। विक्रम, बहुत गड़बड़ हो गई है, मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती। विक्रम, जल्दी आओ। तुझे क्या बात है? बात? क्या बात? तुम क्या बात कर रहे हो विक्रम? और तुम अभी तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम जल्दी घर आओ। लेकिन मैं, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा बेटा घर में नहीं है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा विक्रम। मुझे लगता है उसे कोई उठा ले गया है। ही हैज बीन किडनैप्ड विक्रम। हाँ, मैंने पुलिस में फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। ओ माय गॉड, आई एम सो कंफ्यूज। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं विक्रम। तुम सच कह रही हो? तुमने कुछ उसे किया तो नहीं? हाय हाय विक्रम, मेरी तो तकदीर ही खराब है। अब पता नहीं मुझे वो बच्चा मिलेगा भी कि नहीं। विजय, धीरज रखो, मैं भी आया। Oh,
वरना यहाँ क्या कर रहा है? मेम साहब ने कहा है नीचे लेके जाओ। मेम साहब ने? विजय, विजय, विक्रम, ये सब क्या हो रहा है? मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तो हम थिएटर टाइम से भी पहुंच सकते हैं। चलो। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या हुआ था? ये क्या तमाशा है? तमाशा? अरे भाई तुम आज ऑफिस से जल्दी आए हो, सोचा चल के पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर? तुमने मुझे घर बुलाया पिक्चर दिखाने के लिए? और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें सुबह नहीं कहा था कि हम जाके नसीब देखेंगे? मैंने तो टिकट भी मंगा लिए हैं। ओह कम ऑन, और तुम्हें मालूम है फिल्म की शुरुआत मिस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके जय, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं नहीं आ सकूंगा। अच्छा मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए सही, अब आ ही गई हो तो चलो ना। तो इसके लिए, पिक्चर देखने के लिए इतनी जलील और घटिया हरकतें कर रही हो? अरे तुम मुझे इतने घूर के क्यों देख रहे हो? यू स्टूपिड वुमन, मुझे इतना परेशान किया, तुम्हें पता है इससे मुझ पर क्या गुजरी है? मुझे लगता है तुम पागल हो रही हो। मैं पागल हो गई हूँ? नहीं नहीं तो विक्रम, मैं पागल नहीं हूँ। नो, आई लव यू विक्रम, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ विक्रम। नो नो विक्रम, कुछ ऐसे ही चलता रहा। मैं उसे कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहता था। अक्सर जब मैं किसी जरूरी काम में फंसा होता वो बेफजूल की दखल अंदाजी करती और मुझे अपना काम करने से रोकती। ऐसा लगता था जैसे मुझे बर्बाद करने का बेड़ा उठा लिया था। रेनु रेनु, विक्रम किधर है? अभी अभी तो इधर था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हो गया तुम्हें? यही तो है, बातें कर रहे। ओ ये लो विक्रम, तुम किधर चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ विक्रम। क्यों, मैं कहाँ जाऊँगा अपनी पारी छोड़कर? ओ आई लव यू सो मच, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि और औरत इनको छीन के लेगी। तो जय, मैं कोई जेवर थोड़ी हूँ जो कोई चुरा ले। विक्रम तुम जेवर से बहुत ज्यादा कीमती हो विक्रम। ओके ओके धीरज रखो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं मिस्टर शर्मा से हेलो कह के आता हूँ। ओके ये सोचते होंगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं घबरा जाती हूँ पता है। अब कल रात की बात है, मैं इतना रोई, अब मुझे क्या मालूम कि वो बच्चे को दूध पिला रही थी दूसरे कमरे के अंदर। सच बताऊँ जब बाबा पैदा हुआ ना तो मुझे एक मिनट की सांस नहीं मिली, लेकिन मुझे बहुत डर भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड और बाबा दोनों मुझे अकेले छोड़कर इस दुनिया से कहीं और चले गए तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं जिंदा कैसे रहूंगी? पैसे कमाने के चक्कर में इतना मसरूफ रहे कि दोस्तों को भी भूल गए। नहीं यार विक्रम, तुम इन दोनों के साथ खड़े हो, क्या ये मोदी मिसेज मिस्त्री मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? तुझे तमीज से बात करो। इसमें तमीज की क्या बात है, मैं सचमुच इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। कोई बात नहीं विक्रम, तुम ठीक कह रही हो विजय, मैं वाकई में बहुत मोटी हूँ, मुझे मिठाई खाने की आदत जो हो गई है, वैसे मेरे हस्बैंड को मैं मोटी ही पसंद हूँ। अच्छा तो अपने हस्बैंड के साथ जाके खड़ी हो ना। विजय मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है, मैं तो तुमको सिर्फ इसके चुंगे से बचा रही थी। क्या तुम्हारे बातचीत करने का यही तरीका है? अगर अपने मेहमानों से तमीज से बात नहीं कर सकती तो चुप रहो। हाँ हाँ मुझे तमीज कहाँ से आई है, मुझे क्या है, मैं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना करो। एक्सक्यूज मी, अरे हटिए जी। माफ कीजिए, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओ बस ये तो होता ही है। हर छोटी छोटी सी बात पर खुदकुशी कर लेने की धमकी देती रहती थी। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसे वो
बाप बेटे का प्यार भी बर्दाश्त नहीं होता था। हेलो, लांबा साहब को फोन दीजिए। सुनो, क्या कर रहे हो? मैं वापस फोन करूंगा। नहीं विक्रम, अभी सुनो, तुम्हें पता है मैंने सुबह से कितनी मेहनत की है। मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है और पूरे घर को सजा दिया है। बाबा सो रहा है। अच्छा भाई, कबूल करता हूँ। कहो कि तुम उससे प्यार करते हो। मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगा। ओके, अपने बॉस से कह दो कि अगर वो अभी और इसी वक्त लाइन पर नहीं आए तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे? अभी इसी वक्त। यस। कान खोलकर सुन लो विक्रम, तुम अभी इसी वक्त घर नहीं आए तो मैं कुछ कर बैठूंगी। आई किल मायसेल्फ विक्रम। बकवास बंद करो, तुम जानती हो मैं नहीं आ सकता हूँ। आज शाम को बात करेंगे। क्या तुम अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुन रहे हो विक्रम? शायद तुम्हें साफ साफ सुनाई दे रहा होगा। तुम्हें मालूम नहीं इस पर क्या गुजर रही है? क्या तुम जाना नहीं चाहते? ये ड्रामी बाजी बंद करो, मुझे मालूम है उसे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो तुम ये सोचते हो? आज शाम को मैं। शाम को नहीं, अभी। विक्रम, अगर तुम अभी और इसी वक्त घर नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर बैल्की से कूद जाऊंगी। आई एम वार्निंग यू। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। धमकी? इस बार तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। तुम 4:30 बजे तक घर नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर बैल्की से कूद जाऊंगी, समझे तुम? जान सका कि वो वाकई खुदकुशी करना चाहती थी या सिर्फ धमकियां दे रही थी। और वो भी हो सकता है कि अपने साथ वो मेरे बेटे को भी मार डालना चाहती थी। तब से औरतों से सदा के लिए दूर रहने का मैंने फैसला कर लिया। अब मैं सोचता हूं शायद मैंने गलत फैसला किया। जा रही है।
मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो। क्या नहीं? ठीक है, घर चलें, मेरे घर। चलो अभी आओ ना, अंदर आओ ना। नीलेश, क्या बात है, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? कौन नर्वस, और मैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ये पसीना तो शायद मुझे फ्लू है ना, इसलिए आ रहा है। और देखो ना, आजकल क्लाइमेट भी तो कितना खराब है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम सचमुच नर्वस हो? अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी मम्मी को लेके आती हूँ। मम्मी, मम्मी पूजा कर रही है, अभी आ जाएंगी, तब तक तुम बैठो। ओके। अरे रिलैक्स यार, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो कि जैसे मेरी मम्मी तुम्हें खा जाएंगी। खा तो नहीं जाएंगी, मगर वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है? मैं उनसे क्या बात कर सकता हूँ? अगर वो मिलना चाहती है तो मेरे डैडी से मिल ले। मेरी शादी तुमसे होने वाली है और मेरे मम्मी तुम्हें देखना चाहती हैं कि उनकी लड़की की क्या पसंद है। फोटोग्राफ से काम नहीं चलेगा क्या? कलर वाली अच्छी नहीं। अगर तुम्हें इतना ही नर्वस होना है ना, तो आओ मेरे पास आके बैठो। तुम्हारे पास? अरे वाह, उस दिन तो इतना करीब आना चाहते थे और अब पास बैठने के लिए भी सोचना पड़ता है। सोचना वोचना तो क्या है, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी आ गई तो? तुमने अपने पापा से बात कर ली क्या? नहीं, कर लूंगा, मगर मेरे पापा ना कभी नहीं कहेंगे, वो तो बल्कि खुश होंगे तुम्हें देखकर। अच्छा नीलेश, अगर मेरे मम्मी ने ना कर दी तो? लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरा आना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, तुम्हारी मम्मी ना कभी नहीं कहेंगे। फिर भी देखो अंजू, मैं तुम्हें अभी से कह देता हूँ, अगर तुम्हारी मम्मी या मेरे पापा ने इजाजत ना भी दी, फिर भी हम शादी जरूर करेंगे। सच? हाँ। तो इसका मतलब तुम मुझे इतना प्यार करते हो? हाँ, जब से हम कॉलेज में मिले हैं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अब तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहता। क्या बात है, क्यों जीना नहीं चाहते? जी वो मैं। मम्मी ये है नीलेश, नीलेश मेरे मम्मी। नमस्ते। जीते रहो, बैठो। थैंक यू। अंजलि, गंगाराम से कह दिया चाय या कॉफी के लिए? जी जी आंटी, मैं नहीं पीऊंगा। मैं अभी कह के आती हूँ। अरे शर्मा रहे हो? नहीं आंटी। तो बेटा आजकल क्या कर रहे हो? जी मैं बिजनेस मैनेजमेंट के थर्ड ईयर में हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद क्या करना चाहते हो? जी मेरे डैडी के कई बिजनेस है, मैं पहले उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ और अगर फिर किस्मत ने साथ दिया तो अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छे विचार है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? जी सिर्फ मेरे पापा, मम्मी तो बहुत पहले। ओह आई एम सॉरी। अंजलि के पापा काम से बाहर गए हुए हैं, उनके आते ही तुम्हारे घर भेज दूंगी। हमारे खानदान के कुछ रीति रिवाज होते हैं जिन्हें वो तुम्हारे घर आकर पूरा करेंगे। वैसे मेरी तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, अंजलि की खुशी ही मेरी खुशी है। अच्छा तुम लोग बैठो, जीते रहो, खाना खाकर जाना बेटा। ये है मेरा घर, यहां जरूरत की हर चीज है लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। Can I fix you a drink? यह है मेरा बेटा नीलेश। तुमसे मिलने से पहले मेरी सारी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमती थी। ये मेरा इकलौता बेटा ही नहीं, मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद भी रहा है। रोमा, मुझे जाना है विक्रम। क्या बात है? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ विक्रम। बात क्या है? मुझे छोड़ दो प्लीज। कहाँ कहाँ जा रही हो? प्लीज लेट मी गो। रोमा प्लीज। तुम्हें मेरी कसम। ये
यही एक दर्द बाकी है, यही एक दर्द बाकी है, किसी के साथ पलते हैं। मिली जो आज तक खुशियाँ, मिली जो आज तक खुशियाँ, उन्हें लौटा के चलते हैं। यही एक दर्द बाकी है। बेटे नलेश के बारे में ना, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उस फोटो को देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया था। लगता है तुम नलेश से पहले मिल चुकी हो। क्या बात हुई, तुम उस तरह क्यों भागी चली आई, बताओ ना। आपसे मिलने से पहले
मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग सी थी। मैं क्या थी, क्या कर रही थी, ये सोचकर मुझे बहुत शर्म आती है। रोमा, बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें किसी की गुजरी हुई जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, मगर मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बीते हुए कल को अपने आने वाले कल के साथ जोड़ना चाहता हूं। आप सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए और मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बर्दाश्त का दायरा नरेश तक ही नहीं है। अपनी दास्तान सुनाकर तुम मुझे आजमा सकती हो। Let me the children. जब मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता है कि किसी इंसान की जिंदगी में इतना बदलाव आ सकता है। हम देवलाली में रहते थे, मेरे पिताजी आर्किटेक्ट थे और मुझे आर्किटेक्ट बनने के सपने दिखाया करते थे। मैं 12 साल की थी जब वो गुजर गए। उनके इंश्योरेंस के पैसों से हमारा गुजारा होता था। मेरी पढ़ाई के लिए फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे थे। हमारी जिंदगी में थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी खुशी, बहुत सारा प्यार था। मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आया करती थी। मुझे आर्किटेक्ट बनाने के लिए मेरी माँ मुझे बंबई ले आई। एक्सक्यूज मी, आपका नाम रोमा है ना, और आप लाहिरी कॉलोनी में रहती है ना। अब पूछिए मुझे कैसे मालूम। अरे यार, सीधी सी बात है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए एक दिन आपका पीछा करते करते आपके घर तक पहुंच गया। आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। अरे सुनिए तो, घबराइए नहीं, मेरा नाम रोहन माखीज है और मैं आपको कॉलेज डे के डांस पर इनवाइट करना चाहता हूं। कमाल है, इसमें लाल पीने होने की क्या बात है, मैंने कोई बदतमीजी तो आपके साथ नहीं की। नखरेबाजी की भी हद होती है, आपके अंदर तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं। इतने बड़े शहर में एक छोटे शहर की लड़की पर क्या गुजरती है कोई यकीन नहीं कर सकता। मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पाती, मेरे दिल की बात सिर्फ अपनी माँ से करती थी। माँ, तुम जानती हो मेरी कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां क्लास छोड़कर पिक्चर देखने चली जाती हैं लड़कों के साथ। जी 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 जी, सत्यानाश हो उन लोगों का, पर तुम्हें उन लोगों से क्या लेना देना, तुम अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करो। तुमको तो आर्किटेक्ट बनना है ना, तुम उन लोगों से दूर ही रहो। उमा, वो सचमुच मेरे सपनों का राजकुमार था। मैं उसके बारे में ही सोचा करती थी। उसे पाना मुझ जैसी गंवार लड़की के लिए एक सपना ही हो सकता था।
कभी कभी सपने सच हो जाते हैं। Excuse me, and off your left. देखिए, मुझे सतीश श्रीवास्तव कहते हैं। आपको मैंने कॉलेज में देखा है। मैं इसी तरफ जा रहा था। Would you like a lift? Okay. Come, please. स्मार्ट होती है ना, स्मार्ट और खोखले। लगता है जैसे उन्हें दुनिया में कोई फिक्र ही नहीं। हमारी क्लास में एक लड़का है, उसका नाम है सतीश। खुद की गाड़ी है, नए नए कपड़े पहनता है, ऐसे चलता है जैसे कॉलेज पूरा उसका है। पढ़ाई में कैसा है? नंबर वन। बेटी, ऐसे लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनकी ये खासियत होती है कि वो जिस चीज को भी छू लेते हैं उसे बर्बाद करके छोड़ते हैं। बेटी, जो गरीब होता है वो अपने आप को, अपने दोस्तों को संभाल लेता है, लेकिन जो अमीर हो और होशियार भी, वो कभी किसी की चिंता नहीं करता। वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, उससे तो बस भगवान ही बचाए। मेरा घर। चलो। और रोमा, तुम्हें घर बताते हैं। ये हमारा मीटिंग रूम है। जब झगड़ना बगड़ना होता है ना, तब सारी फैमिली यहाँ पे इकट्ठा होती है। घर में और कोई नहीं? नहीं, अब तो कोई नहीं, सारे शिरडी गए हुए हैं। चलो बाकी घर बताते हैं। प्लीज सतीश, चलो वापस चल। ओ डोंट बी सिली, प्लीज कम, ये तो मेरा ही घर है। कम प्लीज।
वैसे तो घर काफी बड़ा है, ये हमारा डाइनिंग रूम है, किचन उस तरफ है, और वहाँ जाए तो चलो बताते हैं वहाँ पे क्या है। ये मेरा फेवरेट रूम है, यहाँ पे मैं सोता हूँ, जागता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सतीश, अब मुझे घर जाना चाहिए। डोंट बी सिली, एकांत में डांस करने का मौका मिला और तुम जाना चाहती हो? एक मिनट, मैं म्यूजिक स्टार्ट करता हूँ। वन मिनट। नाउ पुट योर लेफ्ट आर्म अराउंड माय वेस्ट, योर राइट आर्म दिस वे, और मूव। वन तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं। ओ नो, देखो चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं अभी आया, एक मिनट में तुम यहीं पे बैठा रहना। वन मिनट। Como si não quisesses nunca me ver, agora sabia. जानती हो क्या है, ये हमारा खानदानी शिंगोरा है। जब हमारा परिवार किस लड़की की पवित्रता और मान मर्यादा को स्वीकार कर लेता है, तब हम ये शिंगोरा को उस लड़की के सर पे पहना देते हैं। ये बहुत पुरानी चीज है, मेरी माँ, दादी और दादी की दादी ने भी पहना था। देखे तुम पे कैसा लगता है। वाह, सचमुच बहुत ही खूबसूरत लगता है। तुम इसे एक दिन पहनोगी ना?
देर हो गई माँ। ऐसा ना हो कि आदत हो जाए। खाना लगा दूं? खा के आई हो या खाना नहीं है? मूड नहीं माँ। अब इनके भी मूड होने लगे हैं। शायद माओ के अंदर कोई कुदरती ताकत होती है जिसे वो अपनी बेटियों के दिल की गहराइयों में भी झांक लेते हैं। क्या कर रहे बेटी? कुछ नहीं माँ, यूं ही मुझे बाहर जाना था, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। क्या कहा? ये दोस्त हैं तुम्हारे? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। वाह, क्या खूब दोस्त हैं तुम्हारे। तुम इनके साथ कहीं नहीं जाओगी, समझी? ओ माँ, पिछले कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हें बम्बई की हवा लग गई है। मैं सोच रही थी शायद तुम आज नहीं तो कल समझ जाओगी, लेकिन तुम बहकती ही चली जा रही हो। अपनी पढ़ाई लिखाई का ध्यान छोड़कर ये आवारा किस्म के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं और उन लफंगों से दोस्ती भी कर ली। बस बहुत हो चुका, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आज के बाद तुम इन आवारा लड़कों के साथ कहीं नहीं जाओगी। माँ तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या कहा, मुझसे जबान लड़ा रही है? नहीं माँ। हाँ मुझे मालूम है, अब तुम जवान हो गई हो, अपना भला बुरा सब समझ सकती हो। मैं भला समझाने वाली तुम्हें कौन होती हूँ? आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, जो तेरे मन में आए वो तू कर, मगर ये मत भूल कि हम बम्बई क्यों आए थे। तेरे पिता का एक ही सपना था कि तू आर्किटेक्ट बने। अब भी वक्त है, अगर तू संभल गई तो अपने पिता के उस सपने को साकार बना सकती है, नहीं तो इन आवारा लड़कों के साथ मिलकर अपना गला घोंट देगी। एक बार तू इनके साथ गुमराह हो गई तो फिर कभी सही रास्ते पे नहीं आ सकेगी। इस शहर के आवारा लड़के, यहाँ की तड़क भड़क तुझे बर्बाद कर देगी, तुझे कहीं का नहीं रखेगी, कहीं का नहीं रखेगी। ओ माँ। लो तुम्हारे लिए ड्रिंक बना के लाया। मैं शराब नहीं पीती। अरे छोड़ो भी यार, आखिर ये पार्टी तुम्हारी तो है, और तुम जैसी औरतें कभी ना नहीं करती। क्या बकते हो? कुछ नहीं, इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम नहीं होती तो आज ये पार्टी नहीं होती। रोहन आज तुम्हें क्या हो गया है? आइए आइए गेस्ट ऑफ ऑनर। हाय सुनील। बेचारी, इसे इतना भी नहीं मालूम कि इसकी वजह से मुझे कितना बड़ा फटका लगा। लेट्स गो। अरे आखिर बात क्या है, ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पार्टी मेरी वजह से है? प्लीज भरत, तुमने तो सतीश की किस्मत खोल दी। पता है तुम्हारी वजह से सतीश डॉन से 5,000 रुपए जीत गया। मेरी वजह से? हाँ, सतीश ने रोहन के साथ शर्त लगाई थी कि तुम्हारे साथ तो एक रात बिताएगा। एक्सक्यूज मी, सतीश ने रोहन के साथ शर्त लगाई थी तुम्हारे साथ एक रात बिताएगा। सतीश, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या ये सच है? क्या ये सच नहीं है कि तुमने मेरी कीमत लगाई 5,000 रुपए? कैसी बातें कर रहे हैं तुम? लाए उमा, प्लीज। यू बास्टर्ड, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बर्बाद करने से तुम्हें क्या मिला? एक दिन का सुख और 5,000 रुपए? तुमने मेरे प्यार के और जिंदगी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा भी क्या हो, ये सब होता रहता है। होता रहता है,
अपनी खानदानी शिंगोरी के मान मर्यादा को खाक में मिला दिया और कहते हो कि होता रहता है। तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बात है बेटी, क्या हुआ? मैं क्या हुआ मेरे बेटी? हो गई बाँ, मैं बर्बाद हो गई। क्या बात है? माँ, दवाई का टाइम हो गया। माँ, माँ प्लीज। हेलो। हेलो रोमा, मैं सतीश बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। बेटी, ये सब क्या हो गया? सावित्री यहाँ कितने सपने लेकर आई थी तुम्हें आर्किटेक्ट बनाने के लिए। मौसी, मेरा कसूर था। बेटी? हाँ मौसी, मैं गुमराह हो गई थी, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आज के बाद किसी मर्द से धोखा नहीं खाऊंगी। उस आदमी की वजह से मुझे ऐसी चोट पहुंची कि मेरी जिंदगी पलट गई। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरी जिंदगी का कोई सहारा न रहा।
माई डैड। अरे ये क्या है? आपने बुरी आदतों से दूर रहने का वादा तोड़ दिया ना डैडे। ये सिगरेट कब से पीना शुरू कर दिया आपने? आज से। और मैंने तय कर लिया है, आज से मैं पूरी तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। क्या मतलब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता डैडी। जब आप सोचते थे कि आप नहीं जी रहे, फिर भी लोग आपसे जीने का सबक सीखे, और जब आप अपने ढंग से जीने जा रहे हैं तो फिर लगता है कि दुनिया में एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है। नहीं नरेश, ये बिजनेस की बात नहीं है, ये कोई पर्सनल बात है। बैठो। इसी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था। वैसे मुझे मालूम है कि यह बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं दोबारा शादी करने वाला हूं। ओह डैडी, फैंटास्टिक, व्हाट अ लवली आइडिया। वाकई में आपका यह ख्याल बहुत ही अच्छा है डैडी। मुझे आज तक आपने इससे अच्छी न्यूज नहीं दी है डैडी। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मुझे बात खराब लगेगी? क्या बात है डैडी, आपको तो खुश होना चाहिए। नलेश, बात इतनी सीधी नहीं है। असल में तुम उस औरत को जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो। उसका नाम है बोमा सिन्हा। क्या? नहीं, क्या आप बता करें, क्या आप जानते हो वो कौन है? वो एक बाजार औरत से भी गई गुजरी है। इस शहर का शायद ही कोई मर्द होगा जो उसके साथ। नलेश, कभी इससे बात करो, मैं जानता हूं वो कौन है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते तो उस औरत के साथ शादी करने का फैसला कभी नहीं। उस औरत ने जरूर कोई चाल चली जिसे आप समझ नहीं सकते, उस कुतिया ने। अगर तुम्हारी बात करने का यही तरीका है तो बेहतर है कि तुम खामोश रहो। मगर इतना समझ लो कि अगर कोई अच्छा आदमी समाज के उसूलों को तोड़कर बुरा बन जाता है तो उसके पीछे जरूर कोई हादसा होता है, और वो हादसा वो खुद नहीं बनाता, उसे बनाने वाले होते हैं हम लोग, समाज के लोग। रोमा ऐसे ही किसी हादसे से गुजरी है। लगता है उसका नाटक आपके दिमाग से उतर के आपके दिल में बैठ गया। अब आप नहीं समझेंगे। मुझे जो समझना था समझ लिया, अब तुम्हारे समझने की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है तुम जा सकते हो। वैसे भी अब तुम जवान हो गए हो। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर रोमा की वजह से अंजू के मां बाप ने मेरा और अंजू का रिश्ता तोड़ दिया तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, नहीं आप, नहीं आपकी दौलत और नहीं आपका घर, कुछ नहीं। मालूम नहीं मैं नलेश का सामना कैसे करूंगी। आप नहीं जानते ये मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। नलेश को मैंने समझा दिया है, उसके पास दो रास्ते हैं, या मेरा बेटा बनकर मेरे घर में रहे और तुम्हें स्वीकार करे, या फिर मेरा दोस्त बनकर अपने खुद का घर कहीं और बसा ले। वैसे मैंने नलेश, अंजलि और उसके पिताजी को यहां बुलाया है, आज ही फैसला हो जाएगा। आप समझती हैं कि मैं आपका घर बर्बाद करके खुश रह सकूंगी? नलेश तो आपका अपना खून है, मैं कौन हूं? आपको उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। रोमा, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ खून की वजह से अपने भावनाओं विचारों के साथ नाजायज समझौता भी तो नहीं कर सकता। अंजलि, ये मेरे डैडी। नमस्ते। और ये, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन्हें किस रिश्ते से इंट्रोड्यूस करूं, बहुत शर्म आती है मुझे इन पर। नलेश, बंद करो ये बकवास। वाकई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर मैं तुम्हारी बीती बातों को भुला सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? अंजलि, तुम्हारे डैडी अभी आते ही होंगे, अगर उन्हें इनके बारे में पता चला तो क्या वो हमारी शादी के लिए राजी होंगे? लीजिए वो आ गए। पापा, ये है मिस रोमा सिन्हा। रोमा,
और ये हैं मिस्टर विक्रम लांबा, जो इनसे शादी करना चाहते हैं। अगर मुझसे शादी करने से नलिश अंजलि को खो बैठता है तो हमारी शादी नहीं होगी। रोमा क्या कह रही हो तुम? पापा अपने साथ एक खानदानी शिंगोड़ा लेके आए हैं। हमारे यहाँ कई पुश्तों से ये शिंगोड़ा बहुओं और बेटियों के मान सम्मान का प्रतीक रहा है। परंपराओं के मुताबिक जब हमारा परिवार किसी दूसरी लड़की को अपनाता है या अपनी लड़की को किसी दूसरे परिवार के साथ जोड़ता है तो हमारे परिवार के बुजुर्ग इस शिंगोड़े को उस लड़की के सर पर रख देते हैं। इस खानदानी शिंगोड़े को इज्जत आप बता दीजिए।